हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आप अपना मोबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको टाइप कर लेना है SBI। ठीक है, क्या टाइप करिएगा? तो SBI आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद पहले नंबर पे ही SBI का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको पर्सनल बैंकिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन का बटन है, आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, कंटिन्यू टू लॉगिन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कंप्लेंट्स का। ठीक है, आपको सिंपली कंप्लेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे दोस्तों एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। आपको यहाँ पे दोस्तों कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे रेज रिक्वेस्ट कंप्लेंट टाइप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, रेज रिक्वेस्ट और रेज कंप्लेंट। आपको रेज कंप्लेंट का चेकबॉक्स के ऊपर टिक कर देना है और फिर दोस्तों यहाँ पे रेज रिक्वेस्ट कंप्लेंट का आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है पर्सनल सेगमेंट इंडिविजुअल कस्टमर, इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इसके बाद एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लें और फिर नीचे में सबमिट सेंड OTP का बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद कैप्चा को फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है, ये आपका डॉटेड लाइन में आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा को भी मैंने फिल कर लिया है और फिर यहाँ पे सेंड OTP का बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों सेंड OTP के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक OTP जो है वो हमारे मोबाइल नंबर के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर गौर कर पा रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 5 डिजिट देखने को मिल जाता है। यदि दोस्तों आप ऐसा करते हैं और यहाँ पे आपके मोबाइल का भी लास्ट 5 डिजिट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका SBI के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है। ठीक है, यदि OTP यहाँ पे नहीं भेजा जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये आप समझ जाइएगा कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली ब्रांच जाना है। देखिए, ऑनलाइन कई तरीके के फ्रॉड होते हैं, कोई कहता है कि SMS भेज करके आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हो, कोई कहता है योनो SBI के थ्रू आप लिंक कर सकते हो। तो मैं आपको सिंपली सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि आप जो है वो अपने ब्रांच जाइए, ब्रांच में एक आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन में आपको क्या लिखना है कि महाशय, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें जो है वो अपने खाते के साथ में मोबाइल नंबर लिंक करना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारा खाता के साथ में हमारा जो मोबाइल नंबर है उसे लिंक कर दें। ठीक है, इस टाइप से एक आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद तुरंत 24 घंटे के भीतर भीतर ही आपके खाते के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन के चक्कर में ना फंसे। ऑनलाइन वैसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है अभी दोस्तों, जिसके माध्यम से आप लोग जो है अपना मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो डायरेक्टली अपने खाते के साथ में। सो आप इजिली चले जाओ दोस्तों अपने ब्रांच के अंदर, वहां पे आपका 24 घंटे के भीतर लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि इस प्रोसेस के माध्यम से आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो बैंक है, आपका खाता है, उसके साथ में मोबाइल नंबर लिंक है अथवा नहीं है, और लिंक है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, ये भी आप पता कर सकते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।